वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ कोल्हापुर में। कोल्हापुर एक बहुत ही फेमस सिटी है, महाराष्ट्र के अंदर आता है एंड कोल्हापुर इज़ वेल नोन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोल्हापुरी चप्पल्स, ट्रेडिशनल डिशेस, एंशियंट टेम्पल्स, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है बिकॉज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, मिसर वड़ा एंड अ लॉट ऑफ कलिनरी फ्लेवर्स। वी आर इन कोल्हापुर एंड वी आर गोइंग टू ट्राई सम ऑफ द बेस्ट डिशेस इन कोल्हापुर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। 2 पार्ट्स आने वाले हैं कोल्हापुर फूड सीरीज़ के, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच बोथ द पार्ट्स टू सी ऑल द यमी फूड्स दैट वी आर ट्राइंग इन कोल्हापुर। सो लेट्स स्टार्ट। कोल्हापुर फूड सीरीज़ की हम शुरुआत करने वाले हैं बाय हैविंग सम गुड ऑथेंटिक मिसर। हम आ गए हैं होटल बावड़ा। बहुत पॉपुलर है मिसर के लिए। वाई इज़ इट पॉपुलर, उसकी हिस्ट्री क्या है, सब मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर डे विद सम कोल्हापुरी मिसर। बावड़ा मिसर टू ट्राई सम मिसर पाव, एक्चुअली आई शुड से मिसर ब्रेड। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिसर ईटरीज है इन कोल्हापुर। 1923 में ये सेटअप हुआ था। ये ना एक्चुअली अंदर आते ही ऐसा लग रहा है कि आप कोई ओल्ड चार्म प्लेस पे आ गए हो इंटीरियर्स देख के। सो दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटिंग 100 years दिस ईयर एंड यहाँ की जो मिसर है इज़ वेरी पॉपुलर इन कोल्हापुर। आपने मेकिंग का प्रोसेस देखा, ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अलग लगा फ्रॉम ऑल द मिसर्स आई हैव ट्राइड लाइक इन पुणे एंड इन मुंबई। सो सबसे पहले नीचे उन्होंने डाला बटाटा, उसके ऊपर उन्होंने डाला मटकी, फिर फरसान, रस्सा, कांदा, खोपरा डाला थोड़ा विच इज़ ड्राई कोकोनट, तरी, थोड़ा सा दही। और एक बार आप ये ब्रेड देखिए। एक चीज़ जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी, ये जो ईटरी है ये अपने स्पाइसेस से लेके जो मतलब स्पाइसेस का मिक्सचर है, ये छोटी छोटी चीज़ें भी खुद बनाती है। वी आर गोइंग टू टेक ऑल दोज लेयर्स ताकि बटाटा, कांदा, मटकी, रसा सब एक साथ आ जाए। और हल्की सी दही भी ले लेंगे एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह माय गॉड, हॉट एंड स्पाइसी, दैट्स माय फर्स्ट रिएक्शन। बट स्टिल स्पाइसी होने के बावजूद काफ़ी फ्लेवर्स हैं। मैंने अभी तक नींबू स्क्वीज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसे ही टेस्ट करना था। बट गाइज दिस मिसर इज़ सो डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्राइमरी टेस्ट है वो एक्चुअली हॉट एंड स्पाइसी है बट इट हैज़ सो मैनी फ्लेवर्स। दही और बटाटा के वजह से हल्का सा स्वीटनेस आ रहा है। देन तरी, रस्सा, एवरीथिंग फ्लेवरफुल। तरी काफ़ी स्पाइसी है। वन थिंग वेरी डिफरेंट इस जो ने ड्राई कोकोनट यूज़ किया, एकदम थोड़ा सा डाला है बट उसका एक अच्छा फ्रेश प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है। सो लेयर्स ऑफ टेक्सचर्स, लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स। अब थोड़ा नींबू डाल के मैं ट्राई करती हूँ। जो फरसान है उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। फरसान वेरी गुड क्वालिटी। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर मिसर खा के। एक और चीज़ मुझे जो अच्छी लग रही है कि इसमें जो भी मसाले डाले हुए हैं जैसे जीरा हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब हो गया, उसका भी एक अच्छा स्वाद आ रहा है। जो भी स्पाइसेस इन्होंने यूज़ किए हैं। एंड एज सून एज यू एंटर, यहाँ पे एक वॉल है जिस पे बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए हैं ऑफ ऑल द मराठी एंड बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु हैव कम एंड हैड मिसर हियर। ड्राई कोकोनट का जो फ्लेवर है वो मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट फ्लेवर है। मिसर के साथ एक और चीज़ जो कोल्हापुर के लोगों को बहुत पसंद है नाश्ते में। हम अब आ गए हैं दीपक वड़ा सेंटर। यहाँ का जो वड़ा है वो काफ़ी पॉपुलर है कोल्हापुर में। और कोल्हापुर के जो वड़ा होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, एक और जॉइंट है कॉल्ड शामचा वड़ा, वो भी काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स वड़ा। हम पहले एक्चुअली वहाँ पर ही गए बट वहाँ पे जो आंटी बैठी थी उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया शूट करने के लिए। सो वी थॉट लेट्स कम हियर। बट आप वहाँ पर भी जाके खा सकते हो, इट्स क्वाइट पॉपुलर। यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा भीड़। मैनी लोकल्स आर जस्ट टेकिंग अ वड़ा स्लाइस एंड सम मिर्ची, कोई चटनी यहाँ पर नहीं मिलती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोल्हापुर के जो वड़े होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। ये देखिए, इट्स ऑक्यूपाइंग द होल प्लेट। एक्चुअली यहाँ पर है दो मिर्ची जिसके ऊपर ऐसे नमक डाला हुआ है। जो रेगुलर आधी पाव होती है वो नहीं मिलती है, यहाँ पर मिलती है स्लाइस, वो भी इनकी इन हाउस। एकदम सॉफ्ट है ये, जस्ट वन स्लाइस। तो इसको आप ऐसे सैंडविच नहीं खा सकते हो जैसे हम मुंबई में खाते हैं। चलिए लेट्स ओपन दिस गर्मा गर्म वड़ा पाव जो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। ओहो, फर्स्ट इम्प्रेशंस, ये जो लेयर है काफ़ी मोटी है, ये देखिए काफ़ी मोटी और काफ़ी क्रिस्पी लग रही है दिखने में। लेट्स टेक सम ऑफ दिस। वाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि लेयर काफ़ी मोटी है तो बेसन का तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद आ रहा है। बट एक बार मैं आपको अंदर स्टफिंग दिखा दूँ। अंदर जो पटेटोस हैं वो ऐसे कम्प्लीटली मैश नहीं है, धनिया मस्टर्ड सीड्स भी डाले हुए हैं। नॉट स्पाइसी, धनिया का एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। पटेटोस हल्का सा स्वीटनेस ला रहे हैं, बहुत डिफरेंट है ये क्योंकि क्रिस्पी है। बेसन का ज़्यादा स्वाद है, आलू का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कोरिएंडर सीड्स भी। ये ब्रेड इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट, टू गुड। काफ़ी बड़ा है ये वड़ा, 25 रुपीज़ का ये प्लेट मिलता है। जीरा भी डाला हुआ है, उसका भी स्वाद आ रहा है। नथिंग स्पाइसी, बस एक ही डाउनसाइड मुझे क्या लग रहा है कि इसके साथ कोई आपको चटनी नहीं मिलती है सूखी या गीली, तो फ्लेवर्स वाइज ये थोड़ा सा ना खा के ऐसे बेसन और आलू बस इसका टेस्ट आता है। बट मे बी पीपल हियर लव इट लाइक दिस, नॉट बैड। वड़ा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी यमी है। जब हम कोल्हापुर स्पेशलिटीज़ की लिस्ट बनाते हैं, अगर हम उसमें पांढरा रसा और तांबड़ा रसा नहीं डालें तो वो लिस्ट तो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट रहेगी। तांबड़ा रसा और पांढरा रसा बहुत सारे थालीज़ के साथ आता है और यही रसा ट्राई करने अभी हम आ गए हैं होटल परक। बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है ये 1994 में सेटअप हुआ था और इनका मेन्यू एक्चुअली काफ़ी छोटा है। मैं आपको मेन्यू दिखा दूँ। थालीज़ में ऑप्शंस हैं लाइक यू गेट वेज में एक ही है, बट नॉन वेज में मटन थाली, चिकन थाली, अंडा थाली एंड देन देर आर सम मोर ऑप्शंस लाइक चिकन, मटन सूखा एंड एवरीथिंग। जो भी महाराष्ट्रियन कोल्हापुरी थालीज़ होती है यहाँ पर, मटन स्पेशल थाली या चिकन थाली या अंडा थाली, उसमें तांबड़ा रसा और पांढरा रसा रहता ही है। माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट, आई थिंक मैंने पुणे में खाया था बट यहाँ की स्पेशलिटी होती है। लेट मी शो यू। सो ये देखिए, हमने क्या किया है ना, हमने एक चिकन मसाला ऑर्डर किया था, उसके साथ भाकरी और उसके साथ है ये तांबड़ा रसा और ये पांढरा रसा। आइए थोड़ा क्लोजली दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ तांबड़ा रसा जिसे जनरली रेड करी भी बोलते हैं। ये स्पाइसी कोल्हापुरी करी जो है स्पेशल रेड चिलीज़ के साथ बनती है, कोकोनटी होती है, टमेटोज़ अनियंस यूज़ होते हैं इसमें। कंसिस्टेंसी देखेंगे काफ़ी सूप लाइक है बट दिखने में कितनी ये फायरी रेड स्पाइसी लग रही है। अगेन ये भी एक एपेटाइज़र की तरह लोग खाते हैं। दिस इज़ पांढरा रसा, दिस इज़ नोन एज वाइट करी। ये कोकोनटी होती है, ये दोनों ही मटन स्टॉक से बनती है। इसमें भी काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, ये देखिए थोड़े स्पाइसेस मुझे दिख भी रहे हैं। अनियन भी यूज़ किया गया है इसमें एंड हियर वी हैव सम चिकन मसाला अलॉन्ग विथ दिस भाकरी। चलो लेट्स ट्राई सम ऑफ दिस। ये चिकन मसाला में आप ऑयल का कंटेंट देखिए कितना सारा है। वाओ, चिकन मसाला हल्का सा स्पाइसी, चिकन इतना अच्छे से कुक, ऑयल का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। बट नाउ लेट्स ट्राई सम पांढरा रसा। ओके, वेरी वार्म सूप लाइक कंसिस्टेंसी। इसमें सिनेमन, गार्लिक, क्लोव्स का भी मुझे टेस्ट आ रहा है बट इसमें सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट मुझे आ रहा है कोकोनट मिल्क का। ये कोकोनट मिल्क में बनाया गया है, हल्का सा मीट का भी टेस्ट आ रहा है। टू गुड। नाउ लेट्स ट्राई पांढरा रसा। ओह, दिस इज़ नाइस, फायरी, स्पाइसी येट वेरी फ्लेवरफुल। मीट स्टॉक कैसा होता है उसका स्वाद आ रहा है बट द बेस्ट थिंग इज़ जो स्पाइसेस का कमाल का फ्लेवर आ रहा है। आई थिंक पांढरा रसा से ज़्यादा मुझे तांबड़ा रसा अच्छा लगा। वेरी फ्लेवरफुल, वेरी नाइस, वेरी स्पाइसी। और ये चिकन मसाला तो काफ़ी कमाल का ही है, भाकरी भी काफ़ी अच्छी है, अनियन टमेटो की ग्रेवी है, चिकन देखिए क्या कमाल की कुक की गई है, लॉट्स ऑफ स्पाइसेस यूज्ड है और बहुत सारा ऑयल भी इसमें यूज़ किया गया है। जो ग्रेवी है वो थिक ग्रेवी है काफ़ी, लाइक इट्स सुपर थिक। इसमें भी मुझे कोकोनट का अच्छा स्वाद आ रहा है। ओवरऑल वेरी फ्लेवरफुल, वेरी ऑयली सोल कड़ी। सोल कड़ी इज़ माई फेवरेट, वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग रस्सा जहाँ का पॉपुलर है कोल्हापुर में। ऑल द हाइप वर्थ इट। ये 1994 में चालू हुआ, 29 साल हो गए ये। और ये ओल्ड पीबी रोड, पुना बेंगलोर रोड, वहाँ पे मार्केट यार्ड के सामने है। तो क्या पक्का ट्राई करना चाहिए, बेस्ट क्या है यहाँ पे? मटन थाली बहुत अच्छा मिलता है, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, भाकरी, मटन, राइस, ये सब थाली में आता है सब। सोल कड़ी है, ड्राई मटन है, ग्रीन मटन है, ये सब ट्राई कर सके आप। पहले 4 टेबल का होटल का 20 लोगों का सीटिंग था, अभी 150 लोगों का सीटिंग है अभी। है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है खांडोली निटिन्स कैंटीन। ये प्लेस बहुत पॉपुलर है कोल्हापुर में फॉर खांडोली। अभी खांडोली मुझे मालूम नहीं था क्या है, यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा। हम जो फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं और जो देसी स्लाइस और अंडे को मिक्स करके बनाते हैं उसे यहाँ पर खांडोली कहते हैं। और खांडोली के आपको यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी। लाइक लुक एट द मेन्यू, देयर इज खांडोली, डबल खांडोली, There's खांडोली विथ सिंगल एग, हॉलीवुड खांडोली, देन टोस्ट, सैंडविच, बहुत कुछ है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ टोस्ट ले लिया है एंड खांडोली सिंगल, सम कोल्ड कॉफ़ी एज वेल। ये इनके पॉपुलर आइटम्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। वेरी स्वीट बट कॉफ़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है। अभी हम खाते हैं ये चीज़ टोस्ट। ओ माई गॉड, लोडेड विथ चीज़। सो ये ब्रेड के बीच में इन्होंने डाला है चीज़, अनियन, एक कोल्हापुरी चटनी बोला इन्होंने डाली है, वो टेस्ट करके देखते हैं, एंड सम केचप। चीज़ देखिए कितनी ज़्यादा है इसमें। इसमें अभी अंडा नहीं है, ये प्योर वेज है। ये दिखने में जितना फैंसी लग रहा है टेस्ट में उतना ही होमली और फेमिलियर लग रहा है। खा के बताती हूँ मुझे क्या याद आया ये खा के। इसमें ना एक चटनी डाली हुई है जो एक्चुअली टमाटर की चटनी टाइप टेस्ट कर रही है। देन रॉ अनियंस, चीज़ एंड ब्रेड टोस्टेड टू परफेक्शन। मेरी मॉम बचपन में एक सैंडविच बनाती थी विच यूज टू बी लाइक जस्ट अनियन, टमेटो, ब्रेड, चीज़, दैट्स ऑल। ये वैसा ही टेस्ट कर रहा है, वेरी सिंपल, वेरी चीज़ी, वेरी यमी। अभी हम खाते हैं ये वेरी सिंपल प्रिपरेशन। ब्रेड के ऊपर अंडे को तोड़ा, उसे पकाया, फिर ऊपर से डाली है ये सॉस, कोल्हापुरी मसाला और थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। और ये है खांडोली, लेट्स ट्राई। इनका ये कोल्हापुरी मसाला हल्का सा स्पाइसी, इसका टेस्ट अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो एक फुल्ली फ्राइड एग कैसा होता है वो, ब्रेड, लॉट्स ऑफ केचप, और ये जो कोल्हापुरी मसाला है इसमें गार्लिक का एक अच्छा पंच है और धनिया डाला हुआ है, वेरी नाइस। ये देखिए आपको यहाँ पे लेयर दिखेगी, अंडा, ब्रेड और ऊपर ये मसाला। तीनों ही चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी, Very simple, very delicious, quick on-the-go snack. कोल्हापुर स्ट्रीट फूड सर्च करते हो तो ये जो प्लेस है ये टॉप रिकमेंडेशंस में पक्का आती है। पीपल इन कोल्हापुर लव भेल एंड दे लव द भेल एट राजा भाऊ बेल। इसको ना ऑल इंडिया स्पेशल भेल भी कहा जाता है। ये एक्चुअली अभी 5 बजे ही ओपन हुआ है, हम 5 o'clock ही आ गए हैं एंड ऑलरेडी देर आर मेनी पीपल हैविंग भेल हेयर। सो दिस इज़ 1 plate ऑफ भेल जिसमें इन्होंने जो सूखी बूंदी होती है वो डाली, मसालेदार बूंदी, राइस पफ, देन सेव, कांदा, फिर 3 चटनी डाली, एक रेड चिली पाउडर की, एक मीठी चटनी और एक गार्लिक की चटनी, ऊपर से अगेन सेव, धनिया और साइड में ये मिर्ची दिया है। ये प्लेस 50+ years ओल्ड है एंड द लोकल्स हेयर लव द भेल। Oh wow, that garlic chutney just hits you. वैसे भेल में भी there are many varieties to choose from. ये है special ओली भेल which is like गीली भेल। ये काफ़ी फ्लेवरफुल है, नॉट स्पाइसी, इनफैक्ट टैंगी और गार्लिक की टेस्ट है इसका। टू गुड। कांदा एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में डाला हुआ है। ये जो सूखी बूंदी होती है, जो स्पाइसी सूखी बूंदी, और पफ्ड राइस जो मुरमुरा होता है, और सेव, क्या कमाल का स्वाद आ रहा है। हल्का आपको मीठा लगेगा, हल्का खट्टा, हल्का गार्लिक की, एंड ऑल दिस सेव एंड फरसान ब्रिंगिंग बेस्ट टेक्सचर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे एक चाट का जो टेस्ट होता है वो निखर के आता है। इसमें वो छोटी सी चीज़ होगी कि जो उन्होंने धनिया डाला है वो इतना फ्रेश है। इसमें वैसे पीनट्स और पापड़ी भी डाली हुई है, सो उसका भी एक क्रंची अच्छा टेक्सचर आ रहा है। लव इट। अगर आप कभी महालक्ष्मी टेम्पल आते हो कोल्हापुर में तो मैं आपको बता दूं 5 मिनट दूर ये एक बेकरी है कॉल्ड माधुरी बेकरी, वेल रिनाउंड बेकरी इन कोल्हापुर, ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू स्नैक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, स्वीट्स, लॉट्स ऑफ स्टफ हियर। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी पॉपुलर है इज़ अ चाइनीज़ समोसा। तो शाम का टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि चलो एक चाइनीज़ समोसा ट्राई करते हैं यहाँ पर। दिस इज़ लाइक वेरी पॉपुलर हियर। तो एक ये समोसे को इन्होंने कट करके केचप के साथ दिया है। ये देखिए अंदर नूडल्स दिख रहे हैं मुझे ढेर सारे। चाइनीज समोसा नाम ही इसलिए क्योंकि अंदर नूडल्स, वेजिटेबल्स, फिर शेजवान सॉस होगा। वेजिटेबल्स में मुझे कैप्सिकम, कैबेज दिख रहा है। ओके, सबसे पहली बात ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ लग रही है मुझे। और अंदर बस नूडल्स, थोड़े स्पाइसेस, बीन्स डाले हुए हैं वेजिटेबल्स के तौर पे। आई थिंक बिकॉज ये इतना ठंडा है मैं इतना इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ। पर हमने एक केक भी लिया है जो हम कार में बैठ के खाएँगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो लेट मी शो यू दैट केक एज वेल। वैसे समोसा तो ओके था बट यहाँ के जो स्वीट आइटम्स हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया है एक चॉकलेट आलमंड केक। बहुत सारे ऑप्शंस थे इन केक्स एंड पेस्ट्रीज़, बहुत सारे ऑप्शंस थे बट ये मुझे ट्राई करना था। ये हेज़लनट आलमंड चॉकलेट केक है। यहाँ पे आलमंड्स हैं, क्या कमाल का प्रेजेंटेशन किया हुआ है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ चॉकलेट गनाश ऑन द टॉप, लुक एट दैट। वाओ, आलमंड्स और हेज़लनट्स जेनरसली डाले गए हैं। इनफैक्ट हेज़लनट्स तो बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं। द केक इज़ वेरी मॉइस्ट। ये जो ऊपर से चॉकलेट गनाश है इट इज़ स्वीट But this is very yummy, very moist, a very nice cake. Snacks, I don't know. Sweets and persans you can definitely try here. आज का का दिन हम एंड करने वाले हैं बाय हैविंग सम बासुंदी चाय। यहाँ पर एक ताई रुकी है और वो दो ही चीज़ें बना रही हैं ये छोटे से जॉइंट पे, बासुंदी चाय और मसाला दूध। दोनों का ही कॉस्ट है 10 रुपीज़। और गाइस एक बार आप यहाँ पे भीड़ देख लीजिए, इतने सारे लोग यहाँ पे फटाफट, यहाँ तो बासुंदी चाय पी रहे हैं, यहाँ तो मसाला दूध। मसाला दूध में से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। बट हम आज का वीडियो एंड करेंगे बाय हैविंग सम बासुंदी चाय। मैंने यहाँ पे ताई से पूछा कि इसे बासुंदी चाय क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो दूध होता है उसे 1 घंटे के भी ऊपर बॉईल किया जाता है और वो दूध से चाय बनती है। तो जो बहुत उबले हुए दूध की खुशबू और टेस्ट होती है वो इसमें आती है। वाह, एकदम कड़क। मिल्क और पानी का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, बट हाँ मैं आपको बता दूं, जो दूध काफ़ी उबलता है उसकी एक क्रीमीनेस और उसका जो एक फ्लेवर और खुशबू आता है वो इसमें डेफिनेटली है। स्वीटनेस है, काफ़ी ज़्यादा स्वीटनेस है, बट काफ़ी प्लेजेंट है। कंसिस्टेंसी वाइज ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है। लव्ड इट एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। प्लीज़ वेट फॉर द सेकंड पार्ट इज़ वेल, जिसमें हम थाली करेंगे और भी बहुत सारा स्ट्रीट फूड करेंगे, लॉट्स ऑफ स्टफ। सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर दैट इज़ वेल। टुडेज़ कमेंट शाउट आउट गोज़ टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट। अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो, बाय। आई एम पूजा और मैं हूँ फिर से। ये लिस्ट तो इनकम्प्लीट रहेगी। जब हम लगाएगा लिप्स पे। मेरी मोम बचपन में ऐसे एक सैंडविच बनाती थी। खाना